हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट ए 2, -4 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 3, 8 एंड क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो ए पॉइंट है ये पी और क्यू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम इसको यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही कोई पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं या फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पी पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया 3, 8। क्यू पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया -10, y। अब इन पी क्यू पॉइंट से यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कहीं पर भी एक पॉइंट है हमारा ए जो दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। यानी कि ये पॉइंट पी से भी और क्यू से भी इक्वल डिस्टेंस पे। पी से अगर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो क्यू से भी ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तब आपको क्या फाइंड करना है, वेरिएबल यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे जो हमें इक्वल डिस्टेंस गिवन है, तो हम इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के ही इस वाई की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो गिवन पॉइंट्स आर ए, पी, क्यू, तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इस ए पॉइंट की पी से और ए पॉइंट की क्यू से डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने पी ए इक्वल टू क्यू ए लिख लिया। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मैं लेती हूँ x2 y2, इसको हम यहाँ x1 y1 ले लेते हैं, इसको भी हम x1 y1 ले लेते हैं। ओके, अब x2 जब हम AP के लिए देख रहे हैं तो x2 - x1 तो 2 - 3 हो गया, √2 - 3 का स्क्वायर। फिर y2 - y1 तो -4 - 8, तो ये हो गया -4 - 8 का होल स्क्वायर। फिर इक्वल टू √QA तो x2 - x1 2 - -10, तो ये हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। प्लस y2 - y1 तो -4 - y का होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करना है। जब अभी तक हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे, पहले रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सेम जैसे ए रूट ए का होल स्क्वायर किया तो ए हो गया, वैसे यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो स्टेप मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 + 4 हो गया 12, लेकिन यहाँ पे भी साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 12 बड़ा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर यहाँ पे आपका हो गया 2 - - प्लस हो गया 2 + 10 का होल स्क्वायर। फिर प्लस -4 - y का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस -12 का स्क्वायर हो गया 144, फिर इक्वल टू 10 + 2, ये भी आपका यहाँ पे 12 हो गया और 12 का स्क्वायर भी हो गया 144। फिर प्लस -4 - y का यहाँ हो गया होल स्क्वायर। तो देखो 144 से 144 कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर है और सेम साइन है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो अब आप यहाँ पे देखो 1 = -4 - y का होल स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे चाहे इसको ब्रैकेट को ओपन करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके और फैक्टर या वाई की वैल्यू को फाइंड करो, इससे अच्छा जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लास्ट स्टेप जो इसकी थी वह उससे हम सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट में भी स्क्वायर हो जाए राइट में भी स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट में भी आपका स्क्वायर हो गया, राइट में तो पहले से ही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ +-1 आ जाएगा, यानी कि जब हम भी पॉजिटिव नेगेटिव जब रूट से या इससे कोई वैल्यू हटती है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है ना, तो ये स्क्वायर यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि +1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 का स्क्वायर भी यहाँ पे 1 है। तो ये वेरिएबल -4 - y = +1 के इक्वल भी और -1 के इक्वल भी है। अब एक एक कंडीशन लेते हैं कि वैन, तो हमारी यहाँ पे बहुत सारी स्टेप और बहुत सारा टाइम यहाँ बच गया। तो वैन 1 = -4 - y और दूसरी कंडीशन वैन -1 = -4 - y। तो अब देखो y की वैल्यू चाहिए तो y को उधर लेके चले जाओ, -y उधर गया प्लस का y हो गया, -4 यहाँ पहले से ही है, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। तो y = -4 + 1 5 साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इसलिए। फिर इस कंडीशन में -y उधर गया के प्लस का y हो गया और ये -4 - 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। तो y = +-4 में से 1 गया तो 3, लेकिन साइन आएगा यहाँ पे
नेगेटिव, ओके, क्योंकि फोर बड़ा है, जो फोर बड़ा है उसका साइन आएगा। तो आपके यहाँ पे वाई की दो वैल्यू हो गई, हैंस y इक्वल टू माइनस फाइव एंड y इक्वल टू माइनस थ्री, दो वैल्यू आ गई। अब दूसरा यहाँ पे वैल्यूज ऑफ y, y के अपने दो वैल्यू फाइंड कर लिया। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस PQ, अब हमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो नाउ PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सेम यही जो आपने अभी ऊपर लगाया फॉर्मूला यही, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर लो, तो ये आपके यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे x2, इसको y2 लेते हैं, माइनस टेन माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस टेन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो ये हो गया y माइनस एट का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया y माइनस एट का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे y के हमारे पास दो वैल्यू है, तो दो में से वन बाय वन पुट करते रहो, तो वैन y इक्वल टू माइनस फाइव, तो दिस इम्प्लाइज PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन प्लस थ्री थर्टीन हो गया, साइन नेगेटिव आएगा, माइनस थर्टीन का स्क्वायर, y की जगह माइनस फाइव पुट किया, माइनस फाइव माइनस एट का स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पे हो गया इलेवन, और सॉरी थर्टीन हो गया, एट प्लस फाइव आपका क्या हो जाएगा, थर्टीन हो जाएगा, तो ये माइनस थर्टीन का स्क्वायर हो गया वन सिक्सटी नाइन, माइनस माइनस प्लस एट प्लस फाइव थर्टीन, माइनस थर्टीन का होल स्क्वायर भी हो गया 169, तो ये 169 प्लस 169 आपका हो गया 338, तो 338 के फैक्टर बनाओगे अगर आप यहाँ पे, तो वो होंगे 13 into 2, तो ये हमारे रूट से बाहर आ गए, 13√2 यूनिट हो गया, ओके, क्योंकि हम अब उसको नहीं भी सॉल्व करो रूट 338 रखा तब भी आंसर आपका राइट है। फिर दूसरी कंडीशन, वैन हमने वाई इक्वल टू माइनस थ्री लिया, तो पी क्यू इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये तो सेम आपका माइनस थर्टीन का स्क्वायर ही रहेगा, और वाई की जगह माइनस थ्री रखा, माइनस एट का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने वाई की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करो, माइनस थर्टीन का स्क्वायर 169, माइनस माइनस प्लस, तो एट प्लस थ्री आपका इलेवन हो गया, माइनस इलेवन का स्क्वायर हो गया 121, तो इसको ऐड कर लो, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 19, तो ये हो गया आपका 290 यूनिट। तो मैं इसको नहीं सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसको एज इट इज रख रही हूँ, ओके। तो अगर y माइनस फाइव है तो पी क्यू डिस्टेंस 13√2 आ रहा है, अगर y आपका माइनस थ्री है तो पी क्यू डिस्टेंस आपका 290 यूनिट आ रहा है। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, वैल्यूज ऑफ y आर माइनस थ्री एंड माइनस फाइव एंड पी क्यू इक्वल टू, एक बार आ रहा है रूट 290 एंड पी क्यू इक्वल टू एक बार आ रहा है आपका 13√2 यूनिट। डिस्टेंस है इसलिए यूनिट लगाना जरूरी है, ओके। ये कोऑर्डिनेट है तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट यूनिट होती है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।